Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And after discussing globalization and its impact on higher education, now I am going to discuss the role of public and afterwards role of private sector in higher education in India. Okay, and the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for your various competitive teaching examinations as well as for your general understanding about higher education. Okay, so first of all hum baat karne ja rahe hain role of public sector in higher education ki means ki uchch shiksha mein. Acha public sector jab hum public se janta ka arth nikalte hain lekin higher education mein public sector ka matlab government sector se. Non public ko private sector kehte hain, public sector ko government sector kehte hain. To sabse pehle hum jante hain कि GER क्या है हायर एजुकेशन में. GER मीन्स ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो. कई जगह बार बार आएगा तो मुझे लगा कि ये एक जरूरी जानकारी है, आपको पता होना चाहिए. एक तरीके से पैराडाइम शिफ्ट भी शो कर रहा है कि शुरुआत में यानी कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस और उसके बाद के 10-15-20 सालों में हमारा जो GER था वो बहुत कम था और तब कहा जाता था कि हायर एजुकेशन इज फॉर क्लास ओनली, मतलब एक उच्च वर्ग ही है जो उच्च शिक्षा ग्रहण करेगा जिसको इलीट क्लास भी कहते थे. फिर उसके बाद हायर एजुकेशन इज फॉर मासेस आ गया, मतलब जन कल्याण, जन जन साधारण के लिए हो गया. मास मतलब जन से मतलब है उसका, ज्यादा जनसंख्या से मतलब है. और अब हायर एजुकेशन को कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब जो NEP 2020 है, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसने ये कहा है, इसने ये इन्विजन किया है, उसने ये लक्ष्य रखा है कि 2035 तक हम GER 50% कर लेंगे जो कि अभी सिर्फ 26.3% है. मैं इसको पढ़ भी दूंगी तो इसका मतलब कि अब हम यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. तो आपको ये मतलब ये सब ध्यान देना चाहिए कि पहले बात किसकी हुई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की, हर बच्चे को हम प्राथमिक शिक्षा या एलिमेंट्री लेवल तक की शिक्षा पूरी देंगे. फिर बात हुई जब हमने प्राइमरी एजुकेशन को अचीव कर लेंगे तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, हर बच्चे को द्वितीय स्तर तक की शिक्षा देंगे, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा देंगे. और अब ये नया रिसेंट ट्रेंड है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन कि हम सबको उच्च शिक्षा भी दे सकें. ओके, तो देयर आर थ्री स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ए हायर एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ इनरोलमेंट, कि कितने बच्चे इनरोल होते हैं, नामांकन कराते हैं कितने विद्यार्थी हायर एजुकेशन सिस्टम में, उस हिसाब से अगर विकास के चरण में देखें तो तीन चरणों से गुजरती है हमारी उच्च शिक्षा. व्हेन द GER इज लेस देन 15%, जब 15% से भी कम GER था. 15% से कम का मतलब कि हर 100 में से केवल 15 विद्यार्थी हायर एजुकेशन में इनरोल हो रहा है, बाकी 85 इनरोल ही नहीं हो रहा है. तो क्या कहा जाता था कि द हायर एजुकेशन सिस्टम इज एन इलीट सिस्टम. इलीट का मतलब उच्च वर्ग, नव धनाढ्य वर्ग, मतलब हाई क्लास. वेयर एक्सेस टू हायर एजुकेशन इज लिमिटेड, जहां पे कि उच्च शिक्षा तक जो पहुंच थी वो सीमित थी और इट सीन एज अ प्रिविलेज, इसको विशेषाधिकार के रूप में देखा जाता था. मतलब हर कोई उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहा था उस वक्त. When the GER is between 15% and 50%, जब GER 15 से 50% के बीच में पहुंचता है तो कहा जाता है कि हायर एजुकेशन सिस्टम इज अ मास सिस्टम. Where higher education is seen as a right for those who have certain formal qualifications. मतलब इस दशा में जब 15 से 50% के बीच में GER पहुंच जाता है तो ये माना जाता है कि जो विद्यार्थी हैं, जो इंडिविजुअल हैं, उनके पास अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन मौजूद है तो उनको हायर एजुकेशन मिलना चाहिए, इनका अधिकार है. और हायर एजुकेशन सिस्टम आर यूनिवर्सल, तब हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिवर्सल या सार्वत्रिक हो जाता है जब GER 50% से ज्यादा हो जाता है. एंड हायर एजुकेशन इज एन ऑब्लिगेशन, मतलब बाध्यता है, आपको देनी ही देनी है. इंडिया विद ए GER ऑफ 26.3% एश 2018-19, यानी कि ऐश की 2018-19 की रिपोर्ट में. अभी ऐश क्या है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन. इसने 2018-19 में सर्वे करके बताया कि हमारा GER 26.3% है. अब ये कुछ बढ़ के 27.4 ऐसा समथिंग पहुंचा है, लेकिन अब कहा जा सकता है कि ये हम मासिफिकेशन की स्टेज के इनिशियल स्टेजेस में है, मतलब प्रथम चरण में पहुंच रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जनमानस को हायर एजुकेशन दे सकें. लेकिन अभी भी इंडिया GER इज लोअर than the global average of 36.7%, यानी कि जो विश्व का जो GER का एवरेज है 36.7, उससे भी हम कम हैं, वैश्विक स्तर से भी कम हैं. इसीलिए माना गया है ये
विजन रखा गया है, दूरदृष्टि के साथ देखा गया है कि हम 2035 तक 50% कर लेंगे। तो देखिए अभी तो हम 23 तक पहुंच गए हैं, अभी 12 साल में कैसे करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा उसके लिए आमूल चूल हमको काम करना होगा। ये भूमिका मैंने आपसे इसलिए बांधी है कि यहाँ पे जब हम रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे तो मूलतया फाइनेंसिंग की बात करेंगे। वैसे हम हायर एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत कुछ हमने पढ़ाया है कि रेगुलेटरी सिस्टम उसका यूजीसी है, एआईसीटी पे बात हुई है, एनसीटीई पे बात हुई है, आपका एनईपी ने क्या कहा है हायर एजुकेशन पे वो बात हुई है, कैसे हमारा गवर्नेंस एनईपी बदलना चाहती है कि सिर्फ एक एचईसीआई होगा, अब हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, सिर्फ बीसीआई और एमसीआई उससे अलग होगा, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बाकी सब कुछ एचईसीआई ही देखेगी, उसके 4 वर्टिकल होंगे। ये सारी बातें हो चुकी हैं, आप भूल गए हो तो आप एनईपी के वीडियोज देख सकते हैं, इसीलिए मैंने उसको यहाँ कवर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग की बात की है। क्यों? क्योंकि फाइनेंसिंग में ही पब्लिक सिस्टम पिछड़ रहा था, इसीलिए प्राइवेट जो वर्ग है, प्राइवेट जो कंसेप्ट है वो आया, प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट आया, इसीलिए मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है इधर वो फाइनेंसिंग तक ही सीमित रखा है। ठीक, तो आगे देखते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हायर एजुकेशन, जो सरकार है वो उच्च शिक्षा पर कितना खर्च कर रही है। तो देखें कि 1990-91 से 2003-04 तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हायर एजुकेशन रेंज्ड बिटवीन 0.5% टू 0.6% ऑफ जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का सिर्फ 0.5 से 0.6% गवर्नमेंट हायर एजुकेशन पे खर्च कर रही थी 90-91 से लेके 2003-04 तक। इट वाज अमंग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, एक तरीके से ये विश्व में सबसे कम कोई सरकार अपनी जीडीपी जीएनपी का खर्चा कर रही थी। सिंस 2008-2009 से क्या हुआ, पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हायर एजुकेशन इन इंडिया हैज वेरीड बिटवीन 1.1% टू 1.3% ऑफ जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था उसका, सकल घरेलू उत्पाद का 1.1% से 1.3% तक सरकार ने खर्च करना शुरू किया 2008-09 आते आते। अकॉर्डिंग टू द 2015 डेटा, इंडियाज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हायर एजुकेशन इज द हाईएस्ट इन साउथ एशिया, और 2015 आते आते भारत हाईएस्ट, अच्छा इसका टी इधर चला गया, वो टिन हो गया, ये इन है। हाँ, तो मतलब 2015 आते आते जो भारत सरकार है जो हायर एजुकेशन पे खर्च कर रही थी वो साउथ एशिया में सबसे ज्यादा हो गया, मतलब वो धीरे धीरे वो बढ़ा रही है अपना खर्चा। दी यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर कंसिडर्ड इक्वल पार्टनर्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, ये माना जाता है कि जो उच्च शिक्षा है उसमें जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है वो इक्वल पार्टनर होंगे, मतलब बराबर बराबर से हिस्सेदारी निभाएंगे जो भी खर्चा आएगा। बट देयर रिलेशनशिप इन द गवर्नेंस एंड फंडिंग ऑफ हायर एजुकेशन हैज बीन इन स्टेट ऑफ फ्लक्स सिंस इंडिपेंडेंस, लेकिन जब से भारत आजाद हुआ है तब से ये बड़ा फ्लक्स में चल रहा है, मतलब ठीक ठाक नहीं चल रहा है कि कौन कितना खर्चा करेगा, क्या है हिसाब किताब। अंटिल 1976, 1976 तक हायर एजुकेशन वॉज अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की राज्य सूची में शिक्षा को डाला गया था, उच्च शिक्षा को 1976 तक, कि सिर्फ राज्य की जिम्मेदारी। आपने भाई बहुत बार पढ़ा होगा ना ये राज्य की जिम्मेदारी, राज्य की जिम्मेदारी ऐसे करते हुए, तो ये राज्य की ही जिम्मेदारी था। विद द रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिटेड टू सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और उच्च शिक्षा, सॉरी, केंद्र सरकार का क्या काम था, उसकी क्या भूमिका थी, कि वो मानक सेट करेगा और जो आपकी केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, सिर्फ इतना काम 1976 तक था। लेकिन द 42nd अमेंडमेंट इन 1976, 1976 में जो आपके संविधान है उसमें 42वां संशोधन हुआ, उसने क्या किया, इट मूव्ड हायर एजुकेशन टू द कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बाद उच्च शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आ गई, कॉन्करेंट लिस्ट में आ गई। इसका मतलब कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी भागीदारी होगी, विच गेव द सेंट्रल गवर्नमेंट अ लार्जर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन, उसने कहा कि केंद्र सरकार भी उच्च शिक्षा के रेगुलेशन में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। तो इस तरह से मतलब गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग धीरे धीरे बढ़ाई है, पहले सिर्फ राज्य देखता था, अब केंद्र सरकार भी देखने लगी है। ये बहुत पॉपुलर सवाल है, अब तो बहुत पुराना हो गया, नहीं तो बड़ा ये पॉपुलर सवाल माना जाता था कि किस संविधान के किस संशोधन में किस ईयर में जो है शिक्षा राज्य सूची में समवर्ती सूची में आया। ठीक है, फिर फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन, कि उच्च शिक्षा में फाइनेंसिंग कैसे देखी जा रही है भाई। तो फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन हैज ट्रेडिशनली बीन अ डोमेन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, तो
ट्रेडिशनली यानी पुराने समय से, पुरातन समय से ही सरकार की भागीदारी रही है कि वो भागीदारी करेगी और फाइनेंस करेगी हायर एजुकेशन का. द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक फंडिंग एंड स्टेट कंट्रोल वर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हायर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया इन द इनिशियल डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. यानी कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद इनिशियली डिकेड्स, मतलब जो शुरुआती 10 साल थे, 10-20 साल थे, उसमें सरकार ही फंडिंग कर रही है, राज्य का ही कंट्रोल, यही सब चल रहा है. 1976 तक तो राज्य की ही अंडर में था. The share of education in the GDP continued to be low in the initial decades. और हमने ये भी बात कर ली कि शुरुआती जो एरा था हमारा, उसमें GDP बहुत कम खर्चा कर रही थी सरकार. But following the international commitment, हमने जो अंतरराष्ट्रीय एक साइन किया, एक सिग्नेटरी पे साइन किया कि हम कमिटमेंट है हमारा, तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने 1968 में कहा कि हमको 6% ऑफ द जीडीपी एजुकेशन पे खर्चा करना है. यानी कि आपका जो भी सकल घरेलू उत्पाद है उसका 6% आप शिक्षा पर खर्च करेंगे. ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 ने हमको रिकमेंड करके बताया, हमको संस्तुति दी. फिर The 1986 policy on education reiterated the national commitment to investing 6% of the GDP. हम आज तक 6% GDP नहीं खर्चा कर पाए हैं, सब ये बातें होती हैं. तो 1986 की पॉलिसी ने भी यही कहा कि भैया 6% GDP आपको खर्चा करना है शिक्षा पे. फिर द जॉन्टियन स्टेटमेंट ऑफ 2011 रिएटरेटेड द नीड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 6% ऑफ देयर जीडीपी एंड 20% ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. यही बात हो रही है कि आप इतना खर्चा कीजिए. द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ शेयर ऑफ जीडीपी हैज बीन इंक्रीजिंग इन इंडिया फ्रॉम 0.64 इन 1950-51 टू रीच अ शेयर ऑफ 4.07% ऑफ द जीडीपी एंड नियरली 10% ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन द ईयर 2016-17. मतलब धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते हम 1950-51 में 0.64% खर्चा कर रहे थे, जो 2016-17 तक आते आते 4.07% हो गया, लेकिन अभी भी 6% से पीछे चल रहे हैं. ठीक. फिर आया रूसा. देखिए बहुत लेंदी हो रहा था इसलिए वो मैटर मैंने बीच से थोड़ा हटा दिया है, कि उसमें ये बात थी कि केंद्र सरकार आ जरूर गई है भागीदारी करने की, वो खर्चा करेगी शिक्षा पर, लेकिन अभी भी वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर, इन्हीं पर ज्यादा खर्चा करती है. जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट के जो नियंत्रण में हैं संस्थान, उन पे कम करती है. तो इसलिए एक लॉन्च किया गया रूसा. रूसा क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ताकि हम राज्य के जो संस्थान हैं, शिक्षा संस्थान, उनको फाइनेंशियली मदद कर सकें. इन 2013 कब लॉन्च हुआ है? 2013 में. द गवर्नमेंट लॉन्च द नेशनल एजुकेशन मिशन और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू हायर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन स्टेट्स. यानी कि राज्य के जो उच्च और तकनीकी संस्थान हैं उनको फंडिंग देने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको रूसा कहते हैं, 2013 में आया. Under the centrally sponsored scheme, states are required to develop comprehensive state higher education plans with an interconnected strategy to address issues of expansion, equity and excellence. मतलब कि राज्य के जो भी संस्थान हैं, जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है राज्य में, उसमें एक्सपेंशन हो सके, वो बढ़ सके, हम सबको समता मूलक शिक्षा दे सके, उच्च कोटि की शिक्षा दे सके, इसके लिए कहा गया कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च कर दी गई रूसा. इसमें क्या हुआ कि जो सेंट्रल फंडिंग थी वो कैसे होती थी? एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स ऑफ स्टेट हायर एजुकेशन. यानी कि स्टेट में जो भी हायर एजुकेशन चल रही है उसका आर्थिक रूप से, उसका प्रशासनिक, उसका शैक्षिक, सब तरीके से हमको क्या करना है? रिफॉर्म करना है, सुधार करना है. दिस स्कीम वॉज डिजाइंड इन सच अ मैनर दैट ग्रांट्स वुड बी डिपेंडेंट ऑन आउटकम्स एंड बेस्ड ऑन स्टेट हायर एजुकेशन प्लान. जो राज्य का हायर एजुकेशन प्लान होता है उसके आउटकम के हिसाब से ग्रांट दी जाएगी, ये सोचा गया, एज ए बेंच मार्क फॉर स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस. इसीलिए जो फंडिंग है रूसा में वो दो कॉम्पोनेंट्स है उसके, नॉर्म बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड. यानी कि आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आपको उतना ज्यादा ग्रांट दी जाएगी. तो ये सब कुछ हुआ राज्य के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य पे कम खर्चा कर पा रही थी. और क्या किया रूसा ने? Through RUSA, the resource allocation pattern is expected to change from a majority of central government funds being allocated to central universities and institutions of national importance to central funds being channelized to government or government-aided state HEIs through the state governments. है ना? तो यही हमने कहा कि जो केंद्र सरकार था वो ज्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दे रही थी, नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट को दे रही थी, तो रूस आया. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और लॉन्च किया है. क्या लॉन्च किया है? हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी. 2017 में, 2013 में रूसा आया, 2017 में HEFA आया है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी. किस लिए? टू मोबिलाइज फंड्स फ्रॉम द मार्केट फॉर सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. जो राज्य सॉरी केंद्र के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनको हम मार्केट से भी फंड दिलाएं.
तो HEFA है क्या? एक नॉन प्रॉफिट नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है, जिससे कि हम एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस तैयार कर सकें, किस लिए, ताकि हम जो क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम देखें तो हमारे जो उच्च संस्थान है, शिक्षण संस्थान, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें, इसके लिए HEFA आया। द सेंट्रल बजट फॉर 2018-19 कॉल्ड फॉर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो 2018-19 का केंद्रीय बजट आया सरकार का, उसमें भी कहा गया कि हमको फंडिंग बढ़ानी होगी, जिससे कि हम अच्छा शोध कर पाए, जो हमारे उच्च शैक्षिक संस्थान है उसमें बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर कर पाए। ये सारी बातें किस दिशा में जा रही है? लास्ट में इसका समअप ये निकलेगा कि चूंकि पब्लिक सेक्टर कम पड़ रहा है, जितना हायर एजुकेशन की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो गई। ठीक है, फिर एक और आया राइज। राइज क्या है? रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन। ये लॉन्च किया गया है विद ए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख, 3 लाख यू कैन से मिलियन इन द नेक्स्ट 4 इयर्स, इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन, है ना। द फंड्स मोबिलाइज थ्रू HEFA, मतलब बहुत बड़े सम के साथ इसको लॉन्च किया गया, जिससे कि हम क्या कर सके, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च लैब और अदर फैसिलिटीज सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस में दे सके। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन? जैसे IITs हो गए, आपके NITs हो गए, IIITs एंड IISER एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इसी के साथ NEP 2020 ने क्या कहा है, एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च किया जाएगा, NRF। वो क्या करेगा? वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च को प्रमोट करेगा, सब कुछ करेगा, है ना। फिर द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया हैज डेवलप्ड ए न्यू पोर्टल, एक नया पोर्टल भी बनाया गया है, विद्या लक्ष्मी, जॉइंटली विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ मिलकर बनाया गया है। क्यों? ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको लोन वगैरह चाहिए हो तो यहाँ से ले सकते हैं एजुकेशन लोन। यानी कि आप ऐसे समझिए कि GER हमारा बढ़ाना है, GDP हम उतना बढ़ा नहीं पा रहे, कोशिश हम बहुत कर रहे हैं। हमने पहले क्या किया, पहले स्टेट स्टेट के कंट्रोल में शिक्षा थी, फिर हम सेंट्रल को भी ले आए, चूंकि तब भी हम कर नहीं पा रहे थे, स्टेट पर ध्यान नहीं जा रहा था, तो हमने रूसा बनाया, फिर हमने राइज बनाया, बीच में HEFA भी बनाया, बहुत कुछ बनाया, और हम बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं। और निश्चित रूप से पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है भारतवर्ष में उच्च शिक्षा में, लेकिन फिर भी जब आप प्राइवेट सेक्टर की बात शुरू करेंगे तो उसकी भूमिका वहां से बनेगी कि इतनी डिमांड बढ़ गई है, सरकार के पास इतना फंड नहीं है कि वो सब कुछ अपने से कर पाए, इसलिए प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को खोल दिया गया है कि आप आइए और आप उसमें ज्यादा पैसा लगाइए ताकि हम सबको शिक्षित कर सकें। तो ये हाल हायर एजुकेशन में पब्लिक सेक्टर का है। इसमें मैंने नेशनल पॉलिसीज, रिव्यूज, रिफॉर्म्स ये नहीं ऐड किया, क्योंकि उस पर बहुत बार बात हो चुकी है। हर बार बात शुरू होगी कहां से? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, फिर उसके रिकमेंडेशन से UGC बना, NCT बना, AICT बना, है ना, सब करते 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 फिर बाद में आपका कोठारी कमीशन, फिर आपका आ जाता है NEP 1968, फिर NEP 1986, NPE 1968, NPE 1986 और फिर NEP 2020 आता है, और बीच में और भी बहुत सारे कमीशन कमेटीज हैं, सबने कुछ ना कुछ उच्च शिक्षा के लिए कहा है, बहुत सारे IITs बने, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने, लेकिन फिर भी भारतवर्ष की इतनी बड़ी जनसंख्या को केटर करने के लिए पब्लिक सेक्टर कम पड़ रहा है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर भारतीय उच्च शिक्षा में आता है। ठीक है, इन दिस वे आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल द फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया बाय द पब्लिक सेक्टर। ओके, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.